यदि नींव दृढ़ हो तो जीवन में स्थिरता बनी रहती है। प्रभु नारायण ने कूर्म रूप लेकर मंदार पर्वत को वही स्थिरता प्रदान की है। प्रभु नारायण के कूर्म अवतार के कारण मंदार पर्वत तो स्थिर हो गए, परंतु मंथन के लिए एक रस्सी की आवश्यकता होगी, वो कहां से आएगी? जो मंदराचल पर्वत को चारों ओर से संभाल सके, ऐसा बल और आकार तो एक ही में है, हमारे मित्र के प्रिय वासुकी। एक सर्प में इतना बल, इतनी शक्ति कहां से आएगी कि इस विशाल पर्वत को रस्सी बनकर संभाल सके? राहु, एक आभूषण की भांति जिसे स्वयं महादेव अपने गले में धारण करते हैं, जिसकी फुंकार को स्वयं महादेव अपना प्रसाद मानते हैं, अपना शस्त्र समझ जिस वासुकी को महादेव अपने धनुष की डोर बनाते हैं, उसका बल, ताप और शक्ति इस संसार की हर एक शक्ति से बड़ी है। वासुकी का प्रणाम स्वीकार करें प्रभु। मुझे इस समुद्र मंथन के योग्य समझने और इस शुभ कार्य में सम्मिलित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमें क्षमा कर दीजिए, ये मुकुट आप ही रख लीजिए, आपसे अधिक बलशाली कोई नहीं है यहाँ। मुझे इसकी आवश्यकता नहीं, हम तो आपके दास हैं, केवल सेवा की आज्ञा दीजिए कलयुग महाराज। मेरे समक्ष अपने सबसे बलशाली योद्धा को प्रस्तुत करो, एक ऐसा योद्धा जिसकी शक्ति का कोई सामना न कर सके। वैसा तो केवल एक ही है, काल को, किंतु उसकी क्या आवश्यकता है कलयुग? वासुकी, वासुकी, मुझे शिव का वासुकी चाहिए। नागराज वासुकी, आप कैलाश के लिए प्रस्थान कीजिए। समुद्र मंथन के दौरान बहुत सारी विशेष औषधियों की आवश्यकता होगी, आपके आने के पश्चात ही समुद्र मंथन संभव हो पाएगा। अब समुद्र मंथन में कोई भी समस्या नहीं होगी। एक समस्या है कलयुग, वासुकी तो समुद्र मंथन में है। है नहीं, अभी तू अपने लक्ष्य की ओर जा रहा है, समुद्र मंथन के लिए औषधि लेने। समुद्र मंथन से अधिक आवश्यकता उसकी मुझे है। काल कुंड वासुकी को अपनी भूख का शिकार बनाकर मेरे समक्ष प्रस्तुत करेगा और उसके बाद मैं उसका विष पान करूंगा, जिससे मैं और भी अधिक शक्तिशाली हो जाऊंगा। मैं भूखा हूँ।
नागराज वासुकी कहाँ है? मैं भूखा हूँ। मित्र, प्रतीत होता है वासुकी भी इसकी भूख शांत नहीं कर पाए हैं। वो देखिए। चलिए मित्र, इसकी भूख मिटाकर इसका अंत करें। क्या मित्र, आप सदैव अंत की ही बात करते हैं। कभी कभी तिनके भर का दंड भी पर्याप्त होता है। धन्यवाद प्रभु, आप दोनों ने स्वयं यहाँ आकर मेरी रक्षा की। नागराज वासुकी, आप समुद्र मंथन की ओर प्रस्थान करें। हम इस मायावी की भूख का अंत कर अति शीघ्र वहां पहुंचेंगे। जैसी आपकी आज्ञा प्रभु। मैं भूखा हूँ। आइए वासुकी, आपका स्वागत है। वासुकी देव, प्रभु श्री नारायण और महादेव कहाँ हैं? वे इस समय एक मायावी राक्षस के समक्ष हैं माते। उन दोनों ने मेरे प्राणों की रक्षा की और स्वयं मुझे मंथन प्रक्रिया आरंभ करने का निर्देश दिया। वे अति शीघ्र ही उस मायावी का अंत करके यहाँ उपस्थित होंगे। परंतु यदि उस मायावी ने प्रभु नारायण और महादेव को कोई क्षति पहुँचाई तो मंथन संभव ही नहीं हो पाएगा। देवी सरस्वती, आप चिंतित ना हो। हमारे भ्राता नारायण और स्वामी महादेव परम भगवान होने के साथ साथ परम योद्धा भी हैं। उन्हें कोई भी मायावी किसी भी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचा पाएगा। देवी शक्ति उचित कह रही हैं। हमें प्रभु नारायण और प्रभु महादेव के लिए चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि उन्होंने समुद्र मंथन आरंभ करने के लिए कहा है तो ऐसा ही होगा। वासुकी, आप सर्प का रूप धारण कर मंदराचल पर्वत पर लिपट जाइए और समुद्र मंथन की प्रक्रिया को प्रारंभ कीजिए। दोनों मित्रों ने सत्य ही कहा था, सब कुछ समय पर निर्धारित होता है। समुद्र मंथन आरंभ किया जाए। जय नारायण, जय नारायण, जय महादेव, जय महादेव, जय नारायण, जय नारायण, जय महादेव, जय महादेव।
कभी ना समाप्त होने वाली भूख हमें सदा ही विनाश की ओर ले जाती है, संतुष्टि से दूर रखती है। यदि हमारे जीवन में संतुष्टि ना हो तो लोभ की ये भूख और बढ़ जाती है, और यही भूख एक दिन हमें ही खा जाती है। त्याग दो अपनी इस भूख को कालकुंड, अन्यथा तुम्हें अपने प्राण त्यागने होंगे। मित्र, हमें शीघ्र ही इसकी भूख का अंत करना होगा। हमारे प्रिय कहाँ है? अर्थात हमारी देवी लक्ष्मी, हमारी प्रिय लौट आई है। तो विलंब कैसा, आइए इसका अंत कर आपका और देवी लक्ष्मी का मिलन कराया जाए। ये लीजिए देवी, आपकी सखी देवी लक्ष्मी आ गई, और देखिए इनके आते ही समस्त देवगण का ऐश्वर्य भी लौट आया। देवी शक्ति, हमारे प्रिय और आपके महादेव कहाँ हैं?
क्या हुआ देवी? ऐसा प्रतीत हुआ मानो किसी ने हम पर प्रहार किया हो। देवी लक्ष्मी आप ठीक हैं? हमें भी उसी प्रकार की पीड़ा का अनुभव हुआ, अर्थात प्रभु विष्णु और महादेव इस क्षण कालकुंड के समक्ष हैं, जिसे मेरे स्वामी ब्रह्मदेव का वरदान है। जो उसे क्षति पहुंचाएगा, हानि उसे होगी जो जो क्षति पहुंचाने वाले को सबसे प्रिय होगा, अर्थात आप दोनों। ऐसी समस्या है, हम इस प्रकार अपनी अर्धांगिनियों को क्षति नहीं पहुंचा सकते मित्र। नहीं प्रभु, हम भले ही आपके निकट नहीं हैं, परंतु आपको हमारी बात माननी ही होगी। कालकुंड की भूख का अंत आपको करना ही होगा, अन्यथा वह समस्त सृष्टि को निगल जाएगा। आप हमारी चिंता ना करें प्रभु, आपके रहते हमें कोई क्षति कोई हानि नहीं पहुँचा सकता। अपने शस्त्रों का प्रयोग कीजिए प्रिय, आप सदा हमारे हृदय में निवास करते हैं, और जहाँ आप हैं वहाँ किसी का अप्रिय कैसे हो सकता है? कोई क्षति किसी प्रकार की पीड़ा का कोई स्थान नहीं। महादेव, संसार के बारे में विचार करिए, हम दोनों के कष्ट को भुलाकर इस सृष्टि के इस समस्त ब्रह्मांड के बारे में सोचिए प्रभु, हम हर पीड़ा सह लेंगे। आप हमारे कष्ट के लिए अधर्म के विनाश से पीछे नहीं हट सकते प्रिय, सृष्टि के बारे में सोचिए। सृष्टि के बारे में ही तो विचार कर रहे हैं देवी, आप ही तो हैं हमारी सृष्टि, और अब इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए हम दोनों को इस कालकुंड का आहार बनना होगा। मैं भूखा हूँ। तभी इसकी भूख शांत होगी। दुर्जन के मुख में चले हरी महर एक साथ, धर्म की रक्षा कर रहे रमा सती के नाथ। अर्धांगिनी है देवों की मान प्रेम अनुराग, काल कुंड के सामने कर नमः स्वयं का त्याग। नहीं प्रभु नहीं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।